गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के 6 बज रहे हैं और हमारा पारा बाबू गहरी नींद में है, पर उठाना तो पड़ेगा, स्कूल तो जाना पड़ेगा। आई एम श्योर जिनके घर बच्चे हैं, सुबह सुबह का ये माहौल हर किसी के घर में होता ही होगा। तो देखो कितनी गहरी नींद में सो रहा है, मन तो नहीं करता लेकिन उठो बेटा। और यहाँ पे देखो ये प्रमोद लाया था, आई थिंक 1.5 साल हो गए हैं इसको। देखो बहुत अच्छी कंडीशन में, और किचन वाला भी बहुत अच्छा कंडीशन हो चुका है। तो इसमें पानी डालना है और ये दाल भिगा रखी है आज, चलो दही बड़े बनाएंगे साथ में। एंड यहाँ देखो चूहे ने इसका काम कर दिया, इसके 2 पत्ती खा गए हैं। आज सोच रही हूँ पार्थू को फ्राइड राइस देती हूँ, रात को ही उसके लिए चावल बना के रख दिए थे। तो ये अब मैं थोड़ा लहसुन कूट लेती हूँ, तड़का लगा लेती हूँ और बना लेती हूँ हमारे फ्राइड राइस। तो बस फ्राइड राइस तो कैसे बनते हैं आपको पता ही है, और आज इसकी रेसिपी इसलिए शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि पराठे बना रही हूँ। बहुत सारा काम होता है सुबह सुबह, बिल्कुल भी टाइम नहीं होता कि मैं बहुत सारी चीज़ें शूट कर पाऊँ, क्योंकि 1 घंटे के अंदर अंदर सब काम निपटाना होता है। फ्राइड राइस पार्थू खा ले जाएगा और ये एक पराठा अजवाइन वाला नमक वाला पार्थू खाएगा। तो पार्थू गया और अब Hey मम्मी से guys, मिलते मम्मी हैं। कर रही है यहाँ पे सफाई। अनुप यहाँ से आ गए हैं, तुम्हारे होते हुए तुम्हारी सास झाड़ू पोछा लगा रही है। ध्यान से देखिए गाइस, यही वो आदमी है जो अपनी सास के आने का इंतजार इसलिए करता है ताकि उसका ये कार्यभार संभाला जा सास सके। भी सोचती है कम से कम मेरे रहते हुए तो मेरा दामाद आराम करे। ठीक है चलो, मुझे क्या, मेरा तो अपना किचन का काम है, तुम दोनों अपना अपना निपटो फटो। तो गाइस आज मैं बनाने जा रही हूँ चाइनीज ब्रेकफास्ट, बोले तो चाउमीन। तो यहाँ पे देखो सब डाल के रेडी है, नमक और घी डाला 1 चम्मच, इसको ज़्यादा नहीं उबालना होता ना। हाँ आ रही हो, 1 सेकेंड। और यहाँ पे मेरी कटिंग चॉपिंग भी चल रही है, देखो मैंने पत्ता गोभी कितनी बारीक काटी है चाकू से ही, और कैप्सिकम, अनियन एंड ये गार्लिक, ये सब रेडी करके जैसे बनाती हूँ बस वैसे ही बनाऊंगी। क्या बीवी का सत्संग सुन के? बोलो तो मैं दिखा दूँ। दोनों हाथ में लड्डू। दोनों हाथ में लड्डू, कौन से वाला सत्संग का परिणाम? काल करे सो आज कर। दोनों हाथ में लड्डू भाई, मतलब फेल हुआ तो मैं सही थी। हाँ। पास हुआ तो मैंने तो मैंने तो नहीं बोला ऐसा भाई, पास हो गए तो अपनी मेहनत, फेल हुए तो भी अपनी गलती। फायदा किसको होगा? मेरा कोई फायदा नहीं हो, जो नुकसान कर रहे हो हमारा वो नुकसान भी हमारा ही होगा बेटा। फायदा तो बहुत लोगों का हो जाएगा लेकिन नुकसान सिर्फ हमारा ही होगा। फायदा लेने गाइस दुनिया आती है, नुकसान सिर्फ अपने ही झेलते हैं, ये याद नहीं आता। एनीवे गाइस, आप इस चीज से एग्री करेंगे, जीवन में जब आप बहुत कामयाब हो जाते हैं तो आपके आसपास बहुत सारे लोग आते हैं जो कि आपके आसपास खड़े होते हैं, वो कहते हैं हम हैं, लेकिन जब आप फेल होते हैं तो सिर्फ वो 2-4 लोग ही आपके साथ होते हैं जो वाकई में आपके साथ होते हैं। तो अनुप को मैं बस, अनुप और मेरी व्हाट्सएप पे सुबह सुबह यही चैटिंग चल रही है, वो नीचे से कहीं से रास्ते से मुझे भेजे तो मैंने भेज दिया। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में बहुरी होएगा। मम्मी क्या था, सॉरी, पल में बहुरी होएगा, पल में प्रलय आएगी, बहुरी करेगा कब, बस कह दिया मैंने, समझने वाले को इशारा काफी। क्यों गाइस, चलो हम अपना काम करते हैं, वेलकम टू द घर। थोड़ा डीमार्ट से सामान लिया है, ये ना मम्मी को बिल्कुल पसंद नहीं था। मम्मी अनुप आपके लिए साबुन लाया, आपका फेवरेट फ्लेवर वाला, देखो बताओ क्या है, सूंघो कैसा है, अच्छा है, गुलाब है मम्मी, गुलाब। आपको पसंद नहीं है ना, बिल्कुल पसंद नहीं है, ये लो अभी अगरबत्ती, तुम ही नहाना, मम्मी को भी पसंद नहीं है गुलाब बिल्कुल, और मेरे को तो वैसे ही पसंद नहीं है, इतना ज्यादा खुशबू आ रहा है बाबू। तो गाइज इस बार मम्मी आए ना तो मैंने बहुत ज़्यादा डिशेस तो नहीं बनाई, क्योंकि एक तो गणपति के टाइम बहुत ज़्यादा कुछ बन रहा था है ना, तो बहुत ज़्यादा हैवी हैवी हो रहा था, तो इसलिए, और बाहर से भी हम लोग बहुत कुछ खा ही रहे हैं तो इसलिए घर पे कुछ बनाने का ज़्यादा समय ही नहीं मिलता। तो आज सोचा मम्मी को चाउमीन बहुत पसंद है, और यहाँ देखो एक गुरैया आके यहाँ से ताका झाकी कर रही है, गुरैया को देख के एक अलग ही खुशी मिलती है ना, क्योंकि लुप्त होने वाली थी ना और अब दिखती है तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे बैक टू चाउमीन, चाउमीन शालू हमेशा बोलती, क्या बोल रहे थे आप, खैर तो बस अपने वही, आप सबके संग कई बार मैंने शेयर किया है, ये सब जो मसाले आप देख रहे हैं वो तो डाला ही था, और हाँ साथ में अपना होममेड गरम मसाला, और इसको इस तरह से इसलिए ढका है क्योंकि ये ना कड़क हो जाती है, इसलिए सॉफ्ट रहना जरूरी है। अब ठंडी हो गई थी ना, देखो नमक है ना मैं 3 किस्सों में डालती हूँ, एक उबालते हुए, फिर एक सब्जी के संग, और एक फाइनल इस वक्त,
क्योंकि नमक थोड़ा थोड़ा करके ही डालना चाहिए। एंड ये सॉस वगैरह तो सब आप डाल लो, लेकिन मस्ट होता है ये शेजवान चटनी। इससे तो चाउमीन का फ्लेवर अलग ही होता है। एंड सबसे ज़्यादा खतरनाक सिरका होता है, ज़्यादा पड़ गया तो पूरा खट्टा, कम पड़ गया तो फ्लेवर में कमी। तो इसको बहुत अंदाजे से डालना चाहिए। यहाँ मम्मी हमारी पूजा कर रही है एंड इसके बाद हम करेंगे ब्रेकफास्ट। तो बस बनाने से ज़्यादा खुशी तो खिलाने में मिलती है खैर, और सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है रिएक्शन देखना कि कैसा लगा जब आप बना के देते हैं। तो चाउमीन तो बहुत अच्छी लगी सबको एंड सब ने सब तो कौन थे, पार्थू के लिए मम्मी बोली थी पार्थू के लिए रख दे, तो मैंने बोला नहीं उसके लिए नहीं रखूँगी, आजकल उसकी डाइटिंग करा रही हूँ थोड़ी सी। तो बस हम तीनों ने खाया और फिर हटाओ ऊपर करो टी शर्ट, ठीक आ रही ना कमर, मतलब कैसी लगी आपको पैंट? मम्मी देखो पैंट कह रहे मैं उतार रहा, इतनी हल्की है, अच्छी लग रही है, रे पहने जैसा पता ही नहीं चल रहा, बहुत अच्छे लग रहे हो गाइस। मैंने देखो मैचिंग की टोपी और पैंट, और मैंने बोला ब्लैक टी शर्ट पहन लो, तो क्या बोला तुमने जवाब दो? नहीं मेरे पास बिल्कुल खाकी टी शर्ट भी है। नहीं बाबू ऐसे मैचिंग ही नहीं, पूरा आर्मी मैन नहीं बनना है, मैंने बोला ब्लैक टी शर्ट पहन लो अच्छा लगेगा। तो कह रहे ऊपर गर्ल्स की फेवरेट पिंक है, तो आप लड़कियों को नहीं जाने जा रहे हो क्या? तुम्हारी फेवरेट। ओहो कह रहे साली हो तुम्हारी फेवरेट। आप किससे बातें कर रही हो? कमल दादा। कमल दादी दाई को मेरा प्रणाम बोलना, बोलो प्रणाम। दाई को मेरा प्रणाम बोलना रे सीमा ले। दाजी ढोक दिन चू, मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो दाई? भाऊजी ने बताया फोन करो आग लगने। एक मिनट दाई एक मिनट। तो मम्मी बना रही है नमकीन चावल और मैं जा रही हूँ क्योंकि मुझे बनाने हैं दही बल्ले। देखो एक बार एक चीज लाई हूँ उसमें देखना, सब्जी वाले भैया ने जबरदस्ती दे दी धनिया ना खीरा गोभी, गोभी तो देखो एक बार, अरे ये वाला गोभी साल भर नहीं आता है, एक बार बना के देखो। अरे इधर मम्मी वो तो आपका वहाँ है, असल में वो वहाँ पे मम्मी का वहाँ बिल्कुल अलग ही होता है। तो ये देखो इतनी छोटी छोटी सी गोभी है ना, तो पता नहीं क्या बोल रहे थे इसको, अरे ये वाली अब बना के देखो। मैं ले आई कि सलाद वलेट तो करता रहता है ना, तो ये प्याज भी ला दिया मम्मा, अदरक धनिया दिया इन्होंने मुझे फ्री में इतना सारा। पता है क्या कह रहे थे, आप अपना नंबर दे दीजिए, कभी कोई मेहमान आए घर में ज़रूरत हो तो मैं छोड़ने आ जाऊँगा सब्जी। मैंने अरे नहीं भैया मैं चल के आती हूँ कोई बात नहीं। तो गाइस यहाँ पे मूंग दाल और थोड़ी सी उड़द दाल मिला के हरा धन ओ सॉरी अदरक और हरी मिर्च डाल के पीस रही हूँ क्योंकि वड़े बनाऊंगी दही बड़े। तलने के लायक बस थोड़ा ज्यादा, मैं तो अभी साफ करूँगी। तो ये मेरा बैटर रेडी हो गया, ये मम्मी ने ऑयल डाल दिया है और ये नमक और हींग डाल के पानी गर्म कर लिया है। तो आपको पता है एक ने क्या लिखा था कल, तीन बार धोने के बाद हाँ मैं कह रही हूँ एक, आपको पता है कल किसी ने क्या लिखा था, सीमा मेरी भी मम्मी लगता है पिछले जन्म में धोबन थी। सबकी मम्मियाँ धोबन होती है, सबकी मम्मियाँ कपड़े धोती रहती है, सुखाती रहती है, सिलती रहती हैं रे, सुन रहे हो? हाँ 200 रुपये की मैक्सिमम और क्या लोगे मम्मी, नील लगाने की जरूरत ही नहीं, अपना नील खुद ही निकालते रहते हैं। आपको हाथ से धोने की क्या जरूरत है, धूल तो रहते मशीन में कपड़े, डाल देती तो नील का काम करता ही है। चलो भाई मैं अपना काम करूं, मैं बनाती हूँ वड़े। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं जो कुछ भी करती हूँ मैंने हमेशा दूसरों से सीखा है, तो जब ये वड़े तलती हूँ ना तब भी किसी की याद आ जाती है। तो वड़े नहीं पकोड़े जब तलती हूँ, तो जैसे कढ़ाई में जब मैं छोटी थी और खाना बनाना सीख रही थी ना, तो एक दो पकोड़े डालती थी या डर डर के दो पकोड़े, खूब सारे तेल लेती थी। लेकिन फिर एक हमारी लैंडलॉर्ड हुआ करती थी, अखिलेश की मम्मी ऐसे नाम से उनको गली में जाना जाता था, एक दिन वो आई और उन्होंने मुझे बोला कि कम तेल ले और जहाँ तक तेल का लाइन जाता है वहाँ तक पकोड़े डालती रहे, देख कुछ भी नहीं होगा और एक साथ
बहुत अच्छे पकौड़े तल के निकलेंगे। एंड वही बस मेरे दिमाग में आज तक है गाइज। तो गाइज जब भी बस मैं ये कहना चाहूँगी, आप किसी से कुछ भी सीखें ना तो उसे छुपाएं नहीं। कभी भी ये नहीं कहें कि ये मेरे को आता है, ये मैंने किया है, ये मैं ही करती हूँ। हमेशा उन लोगों को क्रेडिट दें जिनसे आपने सीखा है, क्योंकि ये एक अच्छी आदत होती है। कभी भी जीवन में मैं नहीं आना चाहिए, मैं बहुत बुरा होता है, आप सब जानते हैं। तो मैं आज भी अखिलेश की मम्मी को याद करती हूँ जब भी पकोड़े तलती हूँ। तो थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच, मैंने आपसे इसे सीखा। एंड बस इसी तरह से सारे पकोड़े आज तल लिए। आज थोड़ा मन मेरा उदास था, इसको तलते हुए क्यों उदास था ये आपको अभी बताऊँगी। तो गाइस दही है ना कम थी थोड़ी सी, तो ये बन गया, ये निचोड़ के रख लिए। और ये बहुत ज़्यादा फ्राई हो रखे हैं तो इनको ऐसे ही ड्राई में रख दूँगी यहाँ मम्मी ने। तो यहाँ मम्मी ने बना दी चटनी, ये हमारा रेडी हो गया। और यहाँ थोड़ी सी मीठी चटनी भी। तो गाइस मेरे पे ना बहुत इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि मैं घर की चीज़ें छुपा छुपा के रखती हूँ, और दोनों के दोनों सास और के गलत बोल के पब्लिक को भड़का। नहीं नहीं नहीं, जब बातें बताई जाती है तो बड़ा चढ़ा के ही बताई जाती है। हाँ अब देखा मम्मी कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं, देख लो मम्मी, बताओ बताओ। मैंने तो बोला घुसा घुसा के रख देती है। ये देखो बेर लेके आए मम्मी के लिए इतना सारा बेर, मैंने खाया। हाँ एक खा के पता क्या बोल के गई, कति कड़वा छा बोल के रख के चली गई। देख लो अब देखो ये देखो है। और फिर जो बेंगलोर से भाई बेचारा चिप्स वगैरह लाए ना, मखन्ना चाय के संग ना मखन्ना, सुबह लेके ना मतलब पूजा करना चाहिए ठीक है। और अभी ये दोनों के दोनों मुझे कह रहे हैं चीजें छुपा देती है जब मैं खुद से ले जा के देती हूँ। तो और आज सब दोनों ने मुझे बहुत चैलेंज किया है कि तू चीजें छुपाती। मैंने ठीक है आज ऐसा सामने रखते हो, अगर आप कैसे निकाल लोगे बताओ, हम निकाल पहले क्यों नहीं खाया। ये देखो कब से अनुपा ने इमली लेके आ रखी, मुझे क्या पता, मेरी तो आदत नहीं है ना भाई ढूंढने की कहां पर क्या पड़ा हुआ है, जो सामने है तो ठीक है, नहीं मेरा। आप कुछ कहना चाहोगे? नहीं बोला मैंने। आप इस बात से सहमत है कि मम्मी खाती है आराम से? पब्लिक तुम्हारी है, हम क्या कर सकते हैं। पब्लिक तो मेरी है लेकिन पब्लिक मेरी भले ही, लेकिन मान सम्मान तो आपको मिलता है। राहुल क्या बोला था आपको, कौन से जीजू, जगत जीजू क्या बोला था उसने, बहनों के जगत जीजू। और ये देखो इमली खा रही हैं आप, दही भल्ले तो बता दो क्यों भी खा रही है। दही भल्ले कैसे राहुल क्या करता है बाहर जब खा रहा होता है, पहले बताओ दही भल्ले कैसे थे। तो मैंने उसे बता दिया, तो हमने शूट किया ही नहीं, रिपीट। अब देखो थोड़ा सा फेक रिएक्शन आएगा लेकिन बहुत बढ़िया था, मैंने दो बार खाया बस बस, और क्या तीन बार का पास की वजह से रुक गया। हाँ अभी मैंने थोड़ा सा शिरीन भाभी और राधिका के लिए भी बना के पेस्ट्री बनी है। मैं एक कह रहा था ना, मम्मी लाइट खोलना, हम अभी गए थे ना राहुल और हम लोग, तो हम लोग होटल में खाए, मैं देखूँ ना कुछ देखे वीडियो लगा के देखा, क्या वीडियो देखी तो सीमा की वीडियो थी और उसको खाने वाले क्या हो रहा है इनको कह रहा आप लालू यादव लग रहे हो, दीदी राबड़ी देवी लग रही है। हिम्मत कैसे नहीं, राबड़ी देवी बोलनी, कह रहा दीदी बिहार के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हो आप। उसको ये डर रहता है कि जो उसकी बीवी होगी उसको पता नहीं खाना बनाना आएगा कि नहीं आएगा। उस दिन भी मुझसे कंप्लेन कर रहा था, दीदी मैं खाने का बहुत शौकीन और अगर मेरी बीवी ऐसी आ गई जिसको खाना बनाना ही नहीं आता। मैंने कोई बात नहीं, उसे हमारी वीडियो दिखाई हो, वीडियो बना बना के सारी भेजो खाने वाली, वो सीख जाएगी। तो बस गाइस हमने खाना खा लिया है और अब जाके हम फ्री हुए, लेकिन अब मैं फ्री नहीं हूँ। अब सुबह मैंने एक रील डाली थी, आजकल मैं मॉर्निंग में एक रील डालती हूँ, चाहे कुछ भी करके कोशिश करती हूँ कि डालूँ, एंड फिर उसके बाद में एक वीडियो डालती हूँ। और चलो अभी मिलते हैं, खाना खा लिया चलते हैं सोने। हाँ और फिर रात भर जागती रहना तड़प तड़प के। अनुप को पता है कि अब आमा जाने वाली है तो मैं अपना काम स्वयं कर लूँ, मेरे को ऐसी गंदी आदत मत डालो बोल बोल के। आदत तो खराब हो जाती है बाबू, इसको भर दो फिर बॉटल्स भी भरनी है मुझे। चलो एंड यहाँ पे बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है हमारे राधा कृष्ण जी के हार से। एंड गाइस कल पता है सिर्फ उन्होंने 20 रुपीज ईच मुझे दिया है, बताओ। और कभी कभी हम इसको 40 रुपीज ईच भी लेके आते हैं, सोचो आप। तो बहुत अच्छे हैं वो अंकल जिन्होंने भी माला के लिए ये माला दी ना मुझे, वो कह रहे थे अगर कभी पैसे ना हो तो ले जाया करो,
ऐसे है ना, दुकान में तो ये बात तो है। हाँ, हर कोई ये कहता है कि पैसे की वो नहीं है, पैसे बाद में दे देना, हो तो देना, नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन सामान के लिए रुको मत, ले जाओ। बहुत अच्छी है बेटे, अच्छी है बेटे, दुकान वालों की ना इस चीज का तो बहुत अच्छा लगा मुझे, ले जाओ सामान, कोई बात नहीं, पैसा आ जाएगा, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। बहुत अच्छी ईमानदारी, कुछ तो बहुत ईमानदार है गाइस, एंड कुछ ने आज मेरा दिमाग खराब कर दिया। मेरे को इतना गुस्सा आया, आपको बताऊंगी तो आपको भी बहुत गुस्सा आएगा। प्रेस वाले भैया हमारे श्याम भैया, दो रील उन्होंने डाली एंड 59 सेकंड के लिए गाना गाते हैं। आपको भी पता है कि भजन गा रहे थे दोनों में ही, और दोनों रील अगर आप लोगों ने सुनी है तो भजन गा रहे थे, और किसी ने ना सोसाइटी में उनकी कंप्लेन कर दी कि ये गाना गाता है, इसको अगर ये गाना गाएगा तो इसको नीचे से ऊपर मत आने देना। और वो इतना डरे हुए थे, जब वो आज आए ना तो वो इतना डरे हुए थे, तो मुझे इतना गुस्सा आया। मैंने अनूप को बोला अभी मकान मालिक भैया को कॉल करके, क्योंकि ये एक कंप्लेन नहीं, इससे पहले भी एक बार और किसी ने हमारे लिए बोला, और बोलते हैं कि इसको एक गार्ड भैया को हिम्मत है, तो मैं कह रही हूँ यहाँ आके बोलो मुझसे, मैं जवाब दूंगी। क्योंकि ऐसा 3.5 साल हम उस सोसाइटी में रह के आए गाइस, इतना प्यार हमें उस सोसाइटी में मिलता है, इतने लोग हमें जानते हैं, हमारे घर में जो भी आया वो इतनी तारीफ करता था उस घर की, और मुझे किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। आप सब रोज़ हमें देखते हो कि हम कितनी साफ सुथरे तरीके से रहते हैं, एंड खाना हमने एक बार छत पे चढ़ाया तो वो उपमा होता है ना वो डाल के आए। मैं मम्मी को कह भी रही थी कि इसको कल लेके जाएंगे, मम्मी कह रही थी झाड़ू लगा देते, मैंने कहा कोई बात नहीं मम्मी, शायद कोई पक्षी खाए, अगर नहीं खाएगा तो कल हम इसको उठा देंगे। सुबह मैं मार्केट से आ रही थी तो वहाँ पे गार्ड भैया ने मुझे रोक लिया और बोला कि आपकी ना नाम तो नहीं लूँगा, किसी ने कंप्लेन करी है कि ऊपर है ना छत पे ऐसा खाना डाल देते। ओ माय गॉड, मतलब गाइस इतना सा उपमा के लिए सोसाइटी में कंप्लेन हो जाएगी, और वो भी छत पे जिसमें कोई कभी जाता ही नहीं है, सिर्फ दो फैमिली मेम्बर्स जाते हैं, एक मेरे पास, सिर्फ दो जनों के पास चाबी, एक मेरे पास और एक जने के पास है, आप सोचो। और अब मुझे ये भी पता है कि कंप्लेन बार बार कर कौन रहा है, सोचो आप। और मैं इतने प्यार से उनको जय श्री कृष्ण भाभी, जय श्री कृष्ण भाभी करती ही रहती हूँ, लेकिन अब मैंने सोचा है कि ऐसे लोगों के संग में भगवान का नाम भी नहीं लूँगी मैं, बिल्कुल अब इग्नोर करूँगी। और मैंने अनूप से कहा कि मकान मालिक से बोलो कि अगर उनको कंप्लेन करनी है तो मुझसे करेंगे, फिर मैं बोलूँगी कि कंप्लेन करनी है ना तो वो जो गुटके फेंकते हैं ना सीढ़ियों में उनकी करो, जो कूड़े फेंकते हैं उनकी करो, मतलब कल को पार्थू गाते हुए आएगा तो उसकी कंप्लेन कर दोगे, मतलब जिनके अपने घर हैं वो अगर गाना गाते हुए आए तो कंप्लेन करके दिखाओ, तब मैं मानूँ। वही है ना, कमज़ोर को दबाया जाता है, बट गाइज मैं कोई कमज़ोर नहीं हूँ, मैं पैसे दे के रहती हूँ और बहुत बड़ी अमाउंट दे के रहती हूँ, तो मुझे कोई नहीं दबा सकता। मेरा मूड जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब है, एंड आप सुन रहे होंगे तो आपको भी लग रहा होगा इस बात को सुन के कि मतलब 59 सेकेंड गाइज, 59 सेकेंड कोई किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकता गाइज। और वो बेचारे श्याम भैया इतने इनोसेंट है, और मेरे को अब कोई डरा नहीं सकता, मैं तो घर में बैठवा के गाना गाऊंगी, हिम्मत है तो कोई बंद करवा के दिखा दे। अब आप देखो, क्योंकि मैं ना ऐसी ही हूँ गाइज, मतलब मैं बहुत ही पोलाइट रहती हूँ, लोगों के संग बहुत ही अच्छे से रखती हूँ, लेकिन जब कोई दबाने की कोशिश करता है ना तो फिर ऐसी सीमा निकल के आती है ना, मतलब फिर किसी को नहीं पता कि क्या होने वाला है, फिर मुझे ही पता होता कि मैं करूँगी क्या। मतलब उनको गाना उनका पैशन था, वो शौक थे, वो ट्विंस ब्रदर थे, उनके एक जुड़वा भाई भी कोरोना में ख़त्म हो गए थे, तो वो जब भी यहाँ खड़े होते ना गुनगुनाते रहते थे, और सिर्फ अपने गाने की बात मुझसे करते रहते थे कि मैं ऐसे स्टेज पे गाता था, ऐसे करता था। तो आप समझ सकते हो कि जो जिसकी कला होती है ना, जब उसकी कला के बारे में कोई उससे बात करता है, उसको सराहना मिलती है, तो वो कितना खुश होता है। सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मैंने सोचा कि मैं चलो उनकी आवाज़ लोगों तक पहुँचाती हूँ, उनको भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा। कौन फेमस होता है नहीं होता, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो लेकिन अपनी कला को देखना कितना सुकूनदायक होता है ना, तो बस मैंने ये सोचा था। और मैंने राहुल से कहा था कि राहुल मैं भैया को एक अमाउंट भी दूंगी, कल को कहीं इनका ऐसा ना लगे कि मेरी वीडियो बनाती है, और वीडियो बनाती हूँ इसलिए ताकि आप तक एक इनोसेंट आदमी, एक उनकी भावना पहुँचे, ताकि उनका प्यार, आप सबका प्यार उन तक पहुँचे। मतलब बहुत ही छोटे दिल के लोग हैं गाइस, जैसे अनूप कह रहे थे ना कि, और ये बात मैं भी कहती हूँ, ना मुंबई और ना दिल्ली, इस तरह से हम देश को या स्टेट को बदनाम नहीं कर सकते कि यहाँ के लोग ऐसे होते हैं, वहाँ के लोग ऐसे होते हैं, ऐसे होते नहीं। मुंबई में हमें एक से बढ़कर एक बहुत अच्छे लोग भी मिले हैं, बहुत रिस्पेक्ट मिलती है, बहुत प्यार मिला है सोसाइटी में। ऐसा नहीं, सिर्फ एक जने की वजह से हम पूरी जगह को ख़राब नहीं बोल सकते। और बात दिल्ली और मुंबई की है ही नहीं, दिल्ली में भी बहुत अच्छे लोग हैं और वहाँ ख़राब लोग भी हैं, और मुंबई में भी बहुत अच्छे लोग हैं और ख़राब लोग भी हैं। तो बात सिर्फ और सिर्फ लोगों की होती है, ये पूरा एक इंडिया है मुंबई दिल्ली जैसा, तो मैं सोचती भी नहीं, क्योंकि मुंबई भी मेरा है और दिल्ली भी मेरी है, चाहे किसी को बुरा लगता है तो लग जाए, क्योंकि ये पार्ट है इंडिया का, ये पार्ट कोई इंडिया से बाहर का नहीं है जिसमें मेरा मेरा होगा, ये मैं अपने ही देश में एक जगह रहती हूँ और शान से रहती हूँ, अपने पैसे दे के रहती हूँ, मेरा हक है। तो
इसलिए गाइज मैं डरने और दबने वाली में से नहीं हूँ, मैं अब इसको खुल के बोलूँगी। और मैं सच में बहुत फ्रस्ट्रेट हो रखी थी, तब से मैंने बहुत फ्रस्ट्रेशन में आज दही भल्ले बनाए गाइज, क्योंकि और वो दिख भी रहा था मुझे, इतना अच्छे नहीं लगे, इन लोगों को अच्छे लगे, बट मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रही थी। जब तक अनूप नहीं आए, मैंने अनूप से अपने दिल की बात नहीं कही, तब तक मुझे अच्छा नहीं लगा, और मैंने अब आपसे भी कही है। तो गाइज अनूप ने यही कहा कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, वही हाल इनका है कि एक जो जना है ना, इनकी वजह से हम पूरे मुंबई को या मुंबई के लोगों को ख़राब नहीं बोल सकते, क्योंकि सच में यहाँ के सब्जी वाले भैया, शॉप वाले भैया, कितने ही लोग हैं जिनकी मैं इतना रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि वो मुझे देते हैं, तो बहुत अच्छे लोग हैं। तो बस गाइस, होता है कभी कभी, लेकिन मैं भी मेरी माँ की बेटी हूँ, हार नहीं मानने वाली। श्याम भाई तो गाएंगे और यहाँ बैठ के गाएंगे, कोई रोक के दिखाए तो हिम्मत है तो रोक ले। तो चलो गाइस, मैं सोच रही हूँ आज इस वीडियो को यहीं बंद करती हूँ, मैं और मम्मी जा रहे हैं बाहर, और सोच रही हूँ जाने की, मम्मी मानेगी नहीं, और बाहर जाते हैं एंड व्लॉग बनाएंगे नया। तो बाय, होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक देना। वैसे अच्छे लगने जैसा कुछ नहीं, मेरा गुस्सा था, क्रोध था, और क्रोध कभी भी अच्छा नहीं होता, लेकिन ये भी एक इमोशन है गाइस, निकलता है, और मैं आपको सिर्फ ऐसे नहीं दिखा सकती कि नहीं मैं बहुत पोलाइट हूँ, अच्छी नहीं, मुझे बहुत गुस्सा आया है गाइस, बहुत गुस्सा आया और दिल दुखा है सबसे ज़्यादा, तो इसलिए आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगे तो, लेकिन यही सच्चाई है। मम्मी चल रही हूँ मार्केट, सुनो ना, चलो अब तो हम फ्री हो गए, पार्थ आएगा तो अनुप और विराज हैं, तो क्या बात कर दी। अरे हजो, चलो गाइस बाय।